अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तहरीम सरवर है और मैं बतौर असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में फूड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक साल से अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हूँ। और आज मैं आपको अपनी लैब्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी कि हमारे पास ग्रेन क्वालिटी लैब्स हैं, हमारे पास ग्रेन टेस्टिंग की लैब्स अवेलेबल है, न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ को चेक करने के लिए डिफरेंट फूड आइटम्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारे पास न्यूट्रिशनल जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं। फूड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट में ग्रेन क्वालिटी टेस्टिंग लैब की फैसिलिटी अवेलेबल है और डिफरेंट फूड आइटम्स की हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, जिसमें माइक्रोब्स आ जाते हैं, जिसमें फिजियोकेमिकल एनालिसिस आ जाते हैं और भी बहुत सारे ऐसे एनालिसिस जो फूड से रिलेटेड हों वो इस लैब में परफॉर्म किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे डिफरेंट न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज पे। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारी न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज को फेस किया जाता है, हमारे बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ आ जाती है, छोटे बच्चों का जो है वो कद सही तरीके से बढ़ नहीं रहा, मेंटल ग्रोथ जो है उस तरीके से जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं स्कूल्स में या डिफरेंट चीज जगहों पर, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको अच्छा फूड जो है वो प्रोवाइड करें। तो फार्म टू फोक जो है वो फूड प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी बनती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अच्छा सिक्योर और न्यूट्रिशनल जो है डेंस फूड या आइटम्स या उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएँ ताकि बच्चे, बूढ़े और इसी तरह से यंग जनरेशन के अलावा जो आम एक कॉमन इंसान है उस तक एक अच्छे तरीके से फूड की अवेलेबिलिटी और किस तरह से उसको कंज्यूम आउट करना और क्या टिप्स हैं और किस तरह से ट्रिक्स हैं जिनको हम अपने फूड को एज अ मेडिसिन या एज अ डिफरेंट फॉर्म सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रिशनल इश्यूज, जो सबसे ज़्यादा मेजर कॉमन जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम आजकल हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि ओबेसिटी, मैल न्यूरिश्ड हैं बहुत सारे लोग। मैल न्यूट्रिशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि या तो इंसान बहुत ज़्यादा मोटा होता है या इंसान बहुत ज़्यादा पतला होता है, और आप लोग भी देख रहे होंगे कि आजकल कॉमनली बहुत ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम है हम फेस कर रहे हैं। अगर ओबेसिटी की बात की जाए तो बहुत सारे ट्रेंड्स हैं हमारे जो आम इंसान है उसको फॉलो कर रहा होता है, जिसमें हमारे पास आ जाता है कीटो डाइट, आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ रोटी छोड़ देते हैं, राइस छोड़ देते हैं, तो दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। हमें जो है अच्छे तरीके से उसको कंज्यूम आउट करना चाहिए, जो भी इंसान को अल्लाह ने जो भी फूड्स, जो भी फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल दिया है या कोई भी ग्रेन दिया है उसको आप कंज्यूम आउट लाजमी करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक कॉमन मैन आया है, उसने कहा है कि मैं जो रोटी छोड़ देता हूँ तो शायद मेरा वज़न कम हो जाए, दूध छोड़ देता हूँ तो वज़न कम हो जाए, दिस इज़ नॉट द गुड प्रैक्टिस। ऑलवेज हम यहाँ पर लोगों को यही गाइडलाइंस और यही अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करें, इनिशिएट करें, जिसमें हम लोगों को गाइड करेंगे कि कौन कौन से फूड आइटम्स लेके वो अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं, ओबेसिटी जैसे एक जो कि एक सब बीमारियों की माँ होती है उसको हम कवर कर सकते हैं। जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन जो मोटापा है, ओबेसिटी का इशू लोग फेस कर रहे हैं, उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप अपने जो है असेसमेंट करवाएं, बॉडी फुल बॉडी असेसमेंट करवाएं, जिसमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड असेसमेंट में हमारे पास तीन चार चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो ये कि आपको आपका बॉडी वेट पता होना चाहिए, आपको आपकी हाइट पता होनी चाहिए, उनको कंपेयर करके आप अपना बेसल मेटाबॉलिक जो है रेट अपना फाइंड आउट करें, जिसको हम BMR कहते हैं, और फिर उनके अकॉर्डिंगली कैलोरीज को डिवाइड करें, डिफरेंट जो है पूरे मील में आप अपने मील्स को डिवाइड करके और उस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। हम यहाँ पर जैसे न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं, जिसमें हम पेशेंट का वेट या कोई भी ह्यूमन बीइंग है उनका वेट चेक करते हैं, उनकी हाइट और उनकी एज के अकॉर्डिंगली जो है फिर असेसमेंट करके कि डिफरेंट बॉडी में फैट कितना है, मसल मास कितना है और कितनी जो है रिक्वायरमेंट है वाटर की, वो सारा कुछ इस मशीन पर हम चेक करते हैं। इस मशीन ने हमें जो है इनके बॉडी के विजरल फैट, इनका फैट और विजरल फैट के अलावा इनका BMI क्या है वो रेंज बता दिया। जैसे 87.3 वेट है तो 12.4% इनके अंदर फैट है, इनका 4 विजरल फैट है और 27.9 जो है वो इनका BMI है। ये मशीन हमें ये बताती है, फिर इसके अकॉर्डिंगली जो है हम असेस आउट करते हैं कि कितना बॉडी को रिक्वायर्ड है डिफरेंट जो है कैलोरीज या क्या क्या न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज है, वो इन सब हम कवर अप करते हैं। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको आपसे शेयर करना चाहूँगी ताकि आप अपना वेट जो है वो अच्छे तरीके से रिड्यूस कर सकें। सबसे पहली बात तो ये कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपना नाश्ता प्रॉपर तरीके से करें, आपकी आपके जो नाश्ते की टाइमिंग्स हैं वो कोशिश करनी है कि सुबह 10 बजे से पहले पहले आप अपना ब्रेकफास्ट अच्छे तरीके से कर लें, सुबह उठें, नीम गर्म पानी पिएं। नीम गर्म पानी सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है फॉर लाइक वेट लॉस या डिफरेंट आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके जो स्टमक की एसिडिटी है उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आपने नाश्ता करना है, नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट्स भी एडअप करें, प्रोटीन्स एडअप करें और आपके पास जो फैट्स, जो डिफरेंट देसी घी की रोटी या फिर आप चपाती ले सकते हैं। एक यहाँ पर चीज़ मैं मेंशन करूँगी कि देसी घी का इस्तेमाल आपने उसको ओवर कुक नहीं करना है, आप अगर खाने में
सालन में इस्तेमाल करें तो उसको ऊपर से डाल के खाएं, ठीक है। और अगर आप रोटी में लेना चाह रहे हैं, चपाती बनाएं आप अपनी 60-80 grams की चपाती, एक अच्छी सीडी साइज़ जो है वो चपाती बनाएं और उसके ऊपर स्प्रेड करके लगाएं। प्लीज़ उसको ओवर कुक मत करें, उससे वो ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। इसके अलावा आप दोपहर में 10 से 11 बजे के करीब आप अपना फ्रूट्स का पोर्शन रख सकते हैं। जितने भी मौसमी फल हैं उनकी दो आपने एटलीस्ट सर्विंग्स लाजमी लेनी है, दो भी मीडियम साइज़ के। जैसे आजकल किन्नू का मौसम है, आप किन्नू ले सकते हैं। दो फ्रूट जूसेस भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो वाटर बेस्ड होने चाहिए, आपने जूसर से नहीं उसको ब्लेंडर में जो है वो जूस बनाना है। इसके अलावा अगर हम लंच की बात करें तो लंच में आप अपना प्रॉपर एक वेजिटेबल सैलड लें, जिसमें प्रोटीन बेस्ड, एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स भी हो सकती हैं और प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगी कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स लें, ताकि आपकी बॉडी में जो आपकी प्लांट बेस्ड प्रोटीन से जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो भी उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं वो कवर अप हो सकें। एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स को आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शाम को 4 या 5 बजे के करीब आप एक चाय का कप या एक अच्छी जो है ग्रीन टी या डिफरेंट इन्फ्यूज्ड वाटर्स आप बना सकते हैं। लेट्स से कि आप पानी की बॉटल लें, उसमें कोई भी फ्रूट जैसे अनार है या किन्नू है, उसके स्लाइसेस कट करें, उसको बॉटल में ऐड अप करें और उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी बात की थी इन्फ्यूज्ड वाटर की, तो आप इन्फ्यूज्ड वाटर कैसे बना सकते हैं कि आपने अनार लेना है और सिंपल उसको पानी में सॉक कर देना है। ओवरनाइट आप इसको सोक करें और आप अपने ऑफिस में ला के उसको रख सकते हैं और उसको आप एज इट इज़ कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा डिनर में आपने बहुत लाइट सा मील लेना है, उसको भी प्रोटीन बेस्ड रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है, जितने भी कार्ब्स हैं वो आपने ब्रेकफास्ट और लंच में रखने हैं, और डिनर में आपने सिर्फ प्रोटीन बेस्ड कोई भी चीज़ ले लेनी है, दैट्स इट। और दूध पीने का टाइम आपके पास सबसे बेस्ट यही कि रात को दूध 2 दफ़ा छान के उसको स्किम मिल्क करके और फिर आप उसको जो है वो कंज्यूम आउट करें। उसमें सौंफ मिला लें, उसमें इलायची मिला लें, उसमें हल्दी ऐड अप कर लें, वो आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है और आपकी जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी कि चाय का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए। चाय जो है बेसिकली आपने क्या करना है कि उसको ज़्यादा पकाना नहीं है, मतलब दूध पत्ती का जो एक कॉन्सेप्ट है वो रखना है, और ज़्यादा कड़ी हुई चाय या उबाल के चाय आपने इस्तेमाल नहीं करनी, वो आपकी बॉडी के लिए जो है वो हार्मफुल होती है। चाय 600 ml मतलब 2 कप आप डेली बेसिस पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको अवॉइड करिएगा कि मील्स के साथ नहीं लेना, आपने इन बिटवीन द मील्स लेना है। लाइक जो आपका फूड एक गैप आएगा लंच और डिनर से पहले, और या फिर आप ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान का जो टाइम है उसमें आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम पानी की कंजप्शन की बात करें तो पानी आप लाजमी पिएं। आई नो कि पानी सर्दियों में ख़ासतौर पर लोग जो है वो पीना भूल जाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके डेस्क पे वाटर बॉटल होनी चाहिए, ताकि आपके सामने हो, उसको इन्फ्यूज़्ड बनाएं डिफरेंट, उसमें लेट्स से लेवेंडर ऐड कर सकते हैं आप। इसको सिंपल क्या करना है कि 2 टी बैग्स लेवेंडर के ऐड किए गर्म पानी में और उसको बस रख लिया और सारा दिन उसको कंज्यूम कर लिया। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप सौंफ, इलायची या दालचीनी बस थोड़ा सा ऐडअप किया, उसको बॉयल नहीं करना है, आपने बस उसको रखना है और वो कंज्यूम आउट कर लेना है। इसी तरह डिफरेंट फ्रूट्स भी इसमें आप ऐडअप करके तो आप कंज्यूम कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर हम बात करें फिज़िकल एक्टिविटी की, तो फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि आप पतले हैं तो आप वॉक या एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं है कि आप मोटे हैं तो बस आप चलना फिरना शुरू कर दें। आपने अपनी लाइफ में 30-45 मिनट्स डेली बेसिस पर आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है। उससे क्या होगा कि आपकी मेंटल हेल्थ, जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आपने ये लास्ट में करना है, दैट्स इट।